गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर ऑफ टर्म वन, चैप्टर नंबर 8, लाइफ ऑफ अ फार्मर। आज हम फार्मर की लाइफ के यानी किसानों की लाइफ के बारे में जान लेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, चैप्टर के बारे में पहले जान लेते हैं, अबाउट द चैप्टर। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, यानी एक किसान हमारे लिए क्या ग्रो करता है, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स अनाज। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स, वो खेतों में कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाने में मदद करता है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ अ फार्मर स्पेंड्स हिज डे, और ये कहानी बताती है कि एक किसान अपना पूरा दिन खेतों में कैसे बिताता है, वो कैसे हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है। ओके, सुरेश इज़ अ फार्मर, सुरेश एक किसान है, एक फार्मर है। ही लिव्स इन अ विलेज, और वो कहाँ रहता है, एक गांव में, एक विलेज में रहता है। द नेम ऑफ हिज विलेज इज़ नंदगांव, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुरेश विलेज, नंदगांव। एंड व्हाट इज़ द फार्मर नेम, सुरेश। ही ग्रोज ग्रेन्स एंड शुगर केन, और वो क्या किस चीज़ की खेती करता है, अनाज उगाता है, ग्रेन्स मीन्स अनाज, एज वेल एज शुगर केन यानी गन्ने की खेती करता है। ही ऑल्सो ग्रोज मेज, वो भुट्टे भी उगाता है। ही वर्क्स इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और वो सुबह से लेके शाम तक अपने खेतों में काम करता है, यानी फार्मर हमारे लिए सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है और डिफरेंट तरीके के अनाजों को ग्रो करता है। सुरेश प्लाउज द सॉइल, सोज सीड्स एंड वाटर द फील्ड, ही पुट्स मैन्योर इन द सॉइल, यानी प्लाउ के मीन्स होता है बेटा, सबसे पहले वो ज़मीन को खोदता है, ठीक है ना, फावड़े से वो ज़मीन खोदता है, मिट्टी सॉइल को खोदता है। सो सीड्स, उसमें बीज डालता है। एंड वाटर द फील्ड, और पूरे खेतों को पानी भी देता है। अब बीज एक ही जगह तो डालेगा ना, ही डिड नॉट पुट द सीड्स एट वन प्लेस, सो ही स्प्रेड द सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस एंड देन ही वाटर्स द फील्ड, ही पुट मैन्योर इन द सॉइल, और फिर वो मिट्टी को ढककर उस पर बैलों से उसको क्या करता है, सींचता है, मींस बैलों को उस पर चलाता है ताकि वो जो ज़मीन उसने खोदी थी जिसमें उसने वो डाले थे, बीज डाले थे, वो सारी बराबर हो जाए। ठीक है, रीता इज सुरेश वाइफ्स, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुरेश वाइफ्स, रीता। रीता सुरेश की वाइफ है। शी ब्रिंग्स लंच फॉर हिम, वो उसके लिए खाना लेकर आती है, किसके लिए, सुरेश के लिए। सुरेश ईट लंच एंड टेक्स रेस्ट फॉर सम टाइम, मीन्स सुरेश स्टार्ट्स हिज वर्क अर्ली मॉर्निंग, वो बहुत ही सुबह से अपना काम शुरू कर देता है, इसीलिए जब उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर आती है, देन ही ईट्स टेक हिज लंच एंड ही टेक रेस्ट फॉर सम टाइम्स, और वो कुछ देर आराम करता है क्योंकि उसको सुबह से लेके शाम तक काम करना होता है। ही हार्वेस्ट अ क्रॉप, और फिर वो फसल जब उसकी उग जाती है तो उसकी क्या करता है, कटाई करता है। जाहिर सी बात है, कैसे बेचेगा अपने अनाज को, उसको जब वो उग जाएंगे तो उसकी कटाई करेगा तभी तो बेचेगा ना। सुरेश सेल्स इट इन द मार्केट, और वो जितना अनाज उगाता है उसको वो ले जाके बाज़ार में बेचता है, जिससे उसको क्या मिलते हैं, एंड गेट्स मनी, जिससे उसको पैसे मिलते हैं। दे लिव हैप्पीली, और वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, बिकॉज सुरेश इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। थैंक यू।